पश्चिम बंगाल में मोदी ने सेंध क्या लगाई ममता बनर्जी के तेवर पर असर पड़ गया। ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारण सीएम पद से इस्तीफे की मांग कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हूं, और हो भी क्यों ना, किसी के बने बनाए घर में कोई दूसरा अपनी दावेदारी पेश कर जाए तो दुख की बात है। आइए देखते हैं। पश्चिम बंगाल में मोदी ने जबरदस्त सेंधमारी की। 2014 में बीजेपी ने बंगाल में दो सीट पर अपनी मुहर लगाई थी, और इस बार बंगाल में अच्छा प्रदर्शन करके बीजेपी ने 18 सीट पर अपनी जीत दर्ज कर चुकी है। ममता बनर्जी ने कभी सोचा नहीं होगा कि जनता का टेस्ट बदल जाएगा, इसलिए तो बीजेपी को चुनावी रैली के दौरान ममता दीदी ने हिंसात्मक तरीके से रोकने का प्रयास किया। अमित शाह पर जानलेवा हमला भी हुआ था, लेकिन ममता दीदी का ये मिशन कामयाब नहीं हुआ, और जनता ने ममता बनर्जी को ये जता दिया कि राजनीति में किसी की भी सीट हमेशा के लिए पक्की नहीं रहती है। इसलिए पश्चिम बंगाल में बदलाव की हवा दिखी और बीजेपी को 18 सीटों का तोहफा दे दिया। ममता बनर्जी ने सीएम पद के इस्तीफे के बाद पार्टी अध्यक्ष के तौर पर काम करने का अपना इरादा जाहिर किया। ममता जानती हैं कि सीएम के पद पर रहकर पार्टी को मजबूत नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इस समय पार्टी को ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। विधानसभा चुनाव में फिर से कहीं बीजेपी अच्छा प्रदर्शन न कर ले जाए, इसलिए ममता बनर्जी अभी से अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहती हैं, जिससे उन्हें अपनी सीट को गंवाने का फिर कोई जरिया न मिल जाए। कहा जाए तो ममता का डर स्वाभाविक है। जिस प्रकार ममता के गढ़ में बीजेपी का प्रदर्शन देखने लायक था, उसी प्रकार विधानसभा चुनाव में ममता पूरी तैयारी से उन सीटों पर काबिज होना चाहती है जिस पे उनको हार का स्वाद चखना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।